हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं वेतन सैलरीज। आयकर में आय के विभिन्न स्रोतों को मुख्यतः पांच शीर्षकों में बांटा गया है, जिनमें से पहला शीर्षक है वेतन। कल की क्लास में हमने वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी थी। वेतन तब माना जाता है, किसी आय को वेतन तब कहा जाता है जब दो व्यक्तियों के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध हो, यानी कि भुगतान प्राप्तकर्ता और भुगतान देने वाले, इन दोनों के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन अगर है तो ऐसी आय प्राप्तकर्ता के लिए वेतन मानी जाती है। तो वेतन के उपार्जित होने का समय की हम बात करेंगे, वेतन के उपार्जित होने का, वेतन के उपार्जित होने का समय। जब हम आयकर में परिचय एवं परिभाषाएं पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है, कर लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का कर निर्धारण वर्ष होता है। और इस कर निर्धारण वर्ष में इससे तुरंत पूर्व के वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। तो वर्तमान में जो कर निर्धारण वर्ष है वो है 2021-22, ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है और 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। तो कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में गत वर्ष 2020-21 की आय पर कर का निर्धारण किया जाएगा, कर लगाया जाएगा। तो गत वर्ष 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, इन 12 महीनों में जो भी आय कमाई गई है उस आय पर अगले वर्ष 2021-22 में कर लगाया जाएगा। तो वेतन के उपार्जित होने का समय, तो हम गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए वेतन के उपार्जित होने का समय भी गत वर्ष ही होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, इन 12 महीनों में जो भी आय उपार्जित की जाएगी, जो भी वेतन उपार्जित किया जाएगा, उस वेतन पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में कर लगाया जाएगा, कर का निर्धारण किया जाएगा। तो वेतन के उपार्जित होने का समय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ही माना जाएगा, यानी कि गत वर्ष में जो भी वेतन उपार्जित हुआ है, चाहे वर्तमान नियोक्ता से हो, चाहे भूतपूर्व नियोक्ता से हो, चाहे एक से अधिक नियोक्ताओं के द्वारा वेतन उपार्जित किया गया हो, उस वेतन पर कर का निर्धारण किया जाएगा। तो जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महीने की अंतिम तारीख को वेतन उपार्जित होता है, यानी कि अगर अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीने में 30 अप्रैल को, मान लीजिए कि अप्रैल 2020 माह का जो वेतन है वो 30 अप्रैल 2020 को उपार्जित मान लिया जाएगा। तो अप्रैल का वेतन अप्रैल महीने में ही उपार्जित माना जाता है, इसलिए अप्रैल से लेकर 31 मार्च इन 12 महीनों के वेतन पर 2021-22 में कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा। तो जो गैर सरकारी कर्मचारी है, जो निजी कर्मचारी है, उनके वेतन के उपार्जित होने का समय 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 गत वर्ष 2020-21 के लिए माना जाएगा। गत वर्ष में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन उपार्जित होने का समय, और ये हम गत वर्ष के संदर्भ में वेतन उपार्जित होने का समय ज्ञात कर रहे हैं। तो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो वेतन उपार्जित होने का समय है, या गैर कर्मचारियों के लिए गत वर्ष के लिए जिस वेतन को आय में शामिल किया जाएगा, वो किया जाएगा 1 अप्रैल 2020
में जो इस अवधि के दौरान जो वेतन उपार्जन हुआ है उस पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में कर लगाया जाएगा। और दूसरा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन उपार्जित होने का समय। लेकिन जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन अगले महीने की पहली तारीख को उपार्जित होता है, यानी पूरे महीने सेवा प्रदान करने के बाद में, सेवा देने के बाद में जो उनको वेतन उपार्जित होता है वो अगले महीने की पहली तारीख को होता है। तो जो गत वर्ष है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, और इस अवधि के दौरान कमाई गई आय पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में कर लगाया जाएगा। लेकिन जो सरकारी एवं गैर सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन अगले महीने की 1 तारीख को उपार्जित होता है। तो मार्च 2021 का वेतन उनको 1 अप्रैल 2021 में उपार्जित होगा। तो मार्च 2021 में जो उन्होंने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने जो अपनी सेवाएं प्रदान की है उनके संबंध में उनको वेतन अगले महीने की 1 तारीख यानी 1 अप्रैल 2021 को उपार्जित होगा। तो मार्च महीने के वेतन को गत वर्ष 2020-21 में उपार्जित हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को वेतन अगले महीने की पहली तारीख को उपार्जित हुआ माना जाता है। तो मार्च का वेतन 1 अप्रैल 2021 में उपार्जित हुआ माना जाएगा, जो कि अगला वर्ष होता है, अगले वर्ष में फिर उसकी गणना की जाएगी। इसलिए मार्च का वेतन यानी कि मार्च 2021 का वेतन सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष का वेतन नहीं माना जाएगा। लेकिन जो मार्च 2020 का वेतन उपार्जित होगा 1 अप्रैल 2020 को, और हमको गत वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के दौरान जो वेतन उपार्जित हुआ है उसको हमको कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय माननी है, उसको वेतन में शामिल करना है। तो मार्च 2021 का जो वेतन है वो 1 अप्रैल 2020 को उपार्जित होगा। मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का वेतन गत वर्ष में उपार्जित माना जाएगा सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इनको वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है, उपार्जित होता है। तो मार्च 2021 का वेतन अप्रैल 2021 में उपार्जित होगा, इसलिए वो अगले वर्ष में शामिल किया जाएगा। इस कारण मार्च 2021 का वेतन गत वर्ष 2020-21 में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि मार्च 2020 का वेतन जो शामिल किया जाना चाहिए था वर्ष 2019-20 में, लेकिन मार्च 2020 का वेतन गत वर्ष 2021-21 के वेतन में शामिल किया जाएगा, क्योंकि मार्च 2020 का जो वेतन है वो 1 अप्रैल 2020 को उपार्जित होता है। इसलिए मार्च 2020 का वेतन जो कि 19-20 में शामिल किया जाना चाहिए था अगर गैर सरकारी कर्मचारी होता तो, लेकिन सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी होने की वजह से मार्च 2020 का वेतन 2020-21 गत वर्ष में शामिल किया जाएगा। तो सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष 2020-21 के लिए वेतन उपार्जित होने का समय 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 माना जाएगा। यानी वेतन की गणना करने के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए जो गत वर्ष होगा वो गत वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 नहीं होगा, बल्कि वेतन के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष माना जाएगा 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021। इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है जिसका वेतनमान है
16,000, 1,000 और 32,000 वेतनमान पे गए। कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसमें एक हिस्सा मूल वेतन के रूप में, बेसिक सैलरी के रूप में दिया जाता है। तो जो वेतन है, वेतन में मूल वेतन, फिर कुछ भत्ते, फिर कोई सुविधाएं, अनुदान आदि शामिल किए जाते हैं और कुल मिलाकर कर्मचारी का वेतन बनता है। तो वेतन में जो एक हिस्सा कर्मचारी को दिया जाता है उसका कुछ भाग मूल वेतन के रूप में दिया जाता है और मूल वेतन को वेतनमान में पे स्केल में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो पे स्केल है, जो वेतनमान है, उसका तात्पर्य होता है अगर कोई किसी कर्मचारी का वेतनमान 8,000, 800, 16,000, 1,000, 32,000 इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई कर्मचारी 8,000 पर नौकरी ज्वाइन करता है, नियुक्त किया जाता है 8,000 पर, तो प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 800 रुपए की वृद्धि की जाएगी जब तक कि उसका वेतन, मूल वेतन 16,000 रुपए तक नहीं पहुंच जाए। और जब उसका मूल वेतन 16,000 रुपए हो जाएगा तो उसके बाद में प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपए की उसके मूल वेतन में वृद्धि की जाएगी जब तक उसका वेतन 32,000 नहीं हो जाता। तो जो मूल वेतन है वो वेतनमान में दिया जाता है और जो मूल वेतन है वो वेतन का एक भाग होता है, वेतन का एक महत्वपूर्ण बड़ा भाग किसी कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा जो कुछ अन्य विशिष्ट खर्चों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को भत्ते दिए जाते हैं और उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे कार की सुविधा है, किसी नौकर की सुविधा है, रहने के मकान की सुविधा है, इस प्रकार से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो मूल वेतन, भत्ते और सुविधाओं को मिलाकर कर्मचारी का वेतन बनता है और मूल वेतन को वेतनमान में प्रदर्शित किया जाता है। तो हम आज की क्लास में बात करेंगे केवल मूल वेतन। तो अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी का जो वेतनमान है वो 8,000, 800, 16,000, 1,000 और 32,000 है और अगर ये कर्मचारी 1 अगस्त 2014 को 12,800 के वेतनमान पर नियुक्त होता है तो गत वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन से आय ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई कर्मचारी इस वेतनमान पे है 8,000, 800, 16,000, 1,000, 32,000 और अगर वह 1 अगस्त 2014 को 12,800 के वेतन पर नियुक्त होता है तो जो वेतनमान में जो वृद्धि है वो अग्रिम भी दी जा सकती है। अगर 8,000, 800, 16,000, 1,000 और 32,000 अगर ये वेतनमान है तो किसी कर्मचारी को जो वेतन में जो वृद्धि है वो अग्रिम भी प्रदान की जा सकती है। तो इस कर्मचारी को 12,800 पर नियुक्त किया गया है और गत वर्ष 2021-22 के लिए उसकी वेतन से आय ज्ञात कीजिए। इस कर्मचारी को नियुक्त किया गया है 1 अगस्त 2014 और हमको गत वर्ष 2020-21 के लिए इसकी वेतन से आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जो कर्मचारी है वो सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी है। तो मान लेते हैं कि कर्मचारी जो है गैर सरकारी कर्मचारी है, निजी कर्मचारी है, गैर सरकारी कर्मचारी हो। तो यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो गैर सरकारी कर्मचारी के लिए गत वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। वेतनमान का मतलब होता है कि जो वृद्धि है वो दिए गए वेतनमान के हिसाब से मूल वेतन में होती है। इसलिए नौकरी प्रारंभ की 1 अगस्त 2014 को
इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो इसने नौकरी प्रारंभ करी 1 अगस्त 2014 को, तो 1 अगस्त 2014 से लेकर 31 जुलाई 2015 एक साल तक इसको 12,800 रुपए मिले। फिर 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 जुलाई 2016 को जो उसको वेतन मिलेगा वह मिलेगा 13,600 रुपए का, क्योंकि जो वेतनमान है वो है 8,816,000, 1,000 और 32,000। तो 8,000 रुपए का कोई नौकरी प्रारंभ करता है तो प्रत्येक वर्ष 800 रुपए उसके वेतन में वृद्धि होगी जब तक उसका वेतन 16,000 नहीं हो जाता। तो इस कर्मचारी ने 12,800 पर नौकरी प्रारंभ करी है, तो पहले साल इसको 12,800 रुपए मिलेंगे और अगले साल इसके वेतन में 800 रुपए वृद्धि हो जाएगी जब तक इसका वेतन 16,000 रुपए, मूल वेतन 16,000 रुपए नहीं हो जाता। तो अगले वर्ष यानी कि कोई कर्मचारी जिस वर्ष जिस माह में नौकरी प्रारंभ करता है अगले वर्ष उसी माह की पहली तारीख को उसके वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। तो 1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 एक साल तक उसको 12,800 रुपए मिलेंगे और फिर उसके वेतन में 800 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगले साल इसको, यानी कि 2015 से लेकर 1 अगस्त 2015 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक इसको 13,600 रुपए मिलेंगे। फिर 1 अगस्त 2016 से लेकर 31 जुलाई 2017 तक इसको 14,400 रुपए मिलेंगे, फिर से 800 रुपए वृद्धि कर दी जाएगी इसके वेतन में। फिर 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 इस साल इसको 15,200 रुपए वेतन मिलेगा क्योंकि 800 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। फिर अगले साल 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 में इसका वेतन हो जाएगा 16,800 रुपए, फिर से वृद्धि हो जाएगी। फिर 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 में इसका वेतन हो जाएगा 17,000, क्योंकि 16,000 के बाद में जो वेतनमान है उसमें प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपए की वृद्धि होगी। तो 16,000 के बाद में अगले वर्ष 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक इसको 17,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा और 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 में इसको वेतन मिलेगा 18,000, फिर से अगले वर्ष 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। और वेतनमान में जो ये वेतन दिया हुआ होता है ये प्रति माह वेतन दिया हुआ होता है, तो जो हमने 12,800, 13,600, 14,400 ये जो वेतन लिखा है ये पर मंथ प्रति माह वेतन लिखा है। तो इस पूरे वर्ष में इसको 12,800 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, तो 12 माह के लिए हमको 12,800 से गुणा करके इस वर्ष की कैलकुलेशन करनी होती है। यानी कि जो लिखा है 12,800, 13,600, 14,400 ये प्रति माह है, यानी कि दी गई अवधि में जैसे कि 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 इन 12 महीनों में इस अवधि में 14,400 प्रत्येक महीने इसको वेतन के रूप में मिलेंगे। हमको ये गैर सरकारी कर्मचारी है इसलिए इसका वेतन हमको लेना है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का, और अगर सरकारी कर्मचारी होता तो हम वेतन लेते 1 मार्च 2020 से 28 से 29 फरवरी 2021 तक का। तो इस प्रकार से हमने इसका वेतनमान याद किया है 31 जुलाई 2021 तक। अब हमको गत वर्ष 2021 के लिए उसके वेतन की गणना करनी है। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 और 2021
गैर सरकारी कर्मचारी है तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का वेतन लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 इस अवधि में आता है, 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 वाली अवधि में अप्रैल दो का महीना आता है। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 अप्रैल मई जून जुलाई 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक इसको प्रति माह 17,000 रुपए वेतन मिलता है। तो जिस अवधि के लिए हमको वेतन की गणना करनी है वो अवधि है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी है इसलिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का 21 तक की अवधि का वेतन हमको गत वर्ष की आय में शामिल करना है। तो इस अवधि में अप्रैल से लेकर जुलाई तक इसको 17,000 रुपए प्रति माह मिले, 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक इसको 17,000 रुपए मिले, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई चार महीनों तक इसको 17,000 × 4 रुपए 4 महीने तक मिले, और उसके बाद 1 अगस्त 2020 से इसको 18,000 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो गए। 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक इसको 18,000 रुपए प्रति माह मिले, लेकिन हमको 31 मार्च 2021 तक की ही का ही वेतन लेना है। तो 1 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 यानी कि 8 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने। तो पहले 4 महीने गत वर्ष में पहले 4 महीने तो इसको 17,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, और अगले 8 महीने के लिए इसको 18,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन मिलता है। तो 17,000 रुपए 4 महीने के लिए गत वर्ष में इसको मिले, तो 17,000 को 4 से गुणा करने पर आता है 68,000, और बाकी के 8 महीनों में इसको प्रति माह 18,000 रुपए वेतन मिला, ये आता है 1,44,000। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,44,000 और 68,000, 2,12,000 रुपए इसकी गत वर्ष में वेतन से आय मानी जाएगी। तो इस प्रकार से किसी कर्मचारी की आय वेतन मान के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, ज्ञात की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम इसी उदाहरण को लेते हुए सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन की गणना किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।